नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। आपको जैसे हमने पहले प्रॉमिस किया था कि 11 ट्वेल्थ के लिए हम नया चैनल बनाएंगे, वो प्रक्रिया अभी चल रही है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने 11 ट्वेल्थ के लिए अलग चैनल आ जाएगा। अभी मैं इसी चैनल पर आपके जो बहुत बड़ा चेंज CBSE ने किया है इस साल के लिए, यानी कि सेशन 2019-20 के लिए जो कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बुक आपकी वही रहेगी, सिलेबस आपका वही रहेगा, लेकिन मार्किंग सिस्टम, ब्लूप्रिंट या पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सारी की सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आप देखें, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो यानी कि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, हमें अच्छा लगेगा। अब आप ध्यान से इन चीजों को समझिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए, टारगेटेड मार्क्स लाने के लिए, अप टू द मार्क लाने के लिए आपको ये सब चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पहले 9th क्लास में ईयर एंड में 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब आपका 100 मार्क का पेपर नहीं होगा, पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक 10th क्लास की तरह से 20 मार्क्स इंटरनल होंगे और 80 मार्क्स का आप ईयर एंड में पेपर होगा, राइट। तब टोटल मिला के 100 मार्क्स होंगे। एक चेंज है कि 10th में इंटरनल और बोर्ड का मिला के आपको 33 मार्क्स परसेंट पर पास होते थे, यहां पर आप दोनों में अलग अलग से पास होना 12th क्लास में कंपलसरी है। दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि पहले आपके ये 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस नहीं थे, अब 1 मार्क के ये 20 क्वेश्चंस होंगे, जो 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क के 4 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 36 हो जाएंगे और टोटल जो मार्क्स हैं वो 80 हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपका आपके लिए आया है। ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर को अटेम्प्ट करना मैथमेटिक्स में कभी भी बहुत ईजी नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हमें उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरा जो चेंजेज आया है आपके टॉपिक वाइज जो चेंज है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। जो आपका सेट और फंक्शंस के चैप्टर्स हैं, इसमें 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शंस में ही आता है, वो आपका टोटल 23 मार्क्स का होगा। ये मार्क्स हैं और ये यूनिट्स हैं। और जो एलजेब्रा है, ध्यान रखना 11th क्लास में बहुत ज्यादा एलजेब्रा है, तो PMI का चैप्टर है, उसके बाद में है ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के साथ साथ में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस सीरीज है, ये सारा का सारा मिलाकर 30 मार्क्स का होगा एलजेब्रा। यानी कि अलजेब्रा का आना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें वैसे आप कहने की बात नहीं है क्योंकि 11th क्लास में मैथ्स आपने चॉइस से लिया है। इसके साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत आसान सा टॉपिक है, हालांकि टॉपिक आसान नहीं है, 11th में आसान सा दिया हुआ है, वो 10 मार्क्स का होगा। उसके साथ में कैलकुलस है, यहाँ पर एक नई चीज, वो 5 मार्क की होगी, उसमें लिमिट्स है, लिमिट वाला चैप्टर है। इसके साथ में मैथमेटिक्स रीजनिंग का 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा और उसके साथ में है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो टोटल होगी 10 मार्क्स की, यानी कि इस तरीके से 80 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स जो इंटरनल होंगे वो भी मैं आपको बायफर्केट करके बता रहा हूँ, ये जो 20 मार्क्स हैं वो 10 नंबर होंगे पूरे साल में, पूरे साल का मतलब है जून जुलाई अगस्त या जून जुलाई, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर, उसके बाद में फरवरी और मार्च, इसमें 3 एग्जाम आपके होंगे 80-80 मार्क्स के, उन 3 में से जो बेस्ट 2 होंगे उसके आपको 10 नंबर उसमें से दिए जाएंगे इंटरनल चॉइस में, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम मतलब आपका ईयर एंड एग्जाम होने से पहले, फिर दोबारा समझ लीजिए, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी या जनवरी फरवरी, उसके बाद में ईयर एंड में आपका एग्जाम मार्च में ऐसा होगा, लगभग मार्च या फरवरी में। इसके बाद में जो 10 नंबर हैं वो एक्टिविटीज के होंगे, इसमें भी बाइफ्रिकेशन है, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये जो 5 मार्क्स हैं वो पूरे साल की एक्टिविटीज के हैं, ये जो 3 मार्क्स हैं जो ईयर के एंड में आप एक्टिविटी बनाकर सबमिट करेंगे, और ये जो 2 मार्क्स हैं वो वाइवा के होंगे, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे ये 20 होंगे। तो अच्छा पेपर करने के लिए, सब्जेक्ट को अच्छा रखने के लिए, ओब्वियसली अच्छा रखना ही है, ये सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। वीडियो को शेयर जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल लेटेस्ट चेंजेस हैं CBSE के और इस पर आप भी जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।